जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से कुछ ही दूरी पर स्थित वन स्टॉप सेंटर से दो नाबालिग लड़कियों के गायब होने की मामला सामने आया है। बता दें कि नाबालिग लड़कियों के गायब होने के बाद बाल विकास विभाग और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और सूचना मिलते ही पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर ली और सेंटर पर पहुंचकर जानकारी लेने लगे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। पुलिस के मुताबिक कोतवाली से कुछ ही दूरी पर ब्लॉक रोड पर वन स्टॉप सेंटर है। यहां पर उन लड़कियों को रखा जाता है जो या तो परेशान है या घर से भाग जाती हैं। साथ ही पुलिस द्वारा यहां पर एक इंचार्ज समेत कई महिला कर्मियों की तैनाती भी की जाती है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से गार्ड भी तैनात रहते हैं। इसी विषय को लेकर सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस वहां लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। सेंटर इंचार्ज की ओर से गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कि आज सुबह हमें करीब 9:30 बजे जानकारी प्राप्त हुई कि जो वन स्टॉप सेंटर हमारा रुद्रपुर में है, यहाँ से दो जो नाबालिग लड़कियां हैं 15 साल उनकी उम्र है, एक सितारगंज की निवासी है और एक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की निवासी, ये दोनों बिना बताए कहीं चली गई हैं। इसकी सूचना हमें वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी गई थी और उनकी शिकायत पर आगे कार्रवाई की जाएगी।